दोस्तों आज बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने भगवान शिव का रोल शानदार तरीके से अदा किया है। महाकाल के अवतार में इन एक्टर्स को आज तक देखने वाले भूल नहीं पाए हैं। हालांकि धर्म पर आधारित सीरियल के पुराने और नए एक्टर्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन इन कलाकारों ने इन सीरियल के जरिए यह मुकाम हासिल किया है। भगवान शंकर का रोल प्ले करने वाले कई एक्टर मशहूर हुए, तो किसी ने सुसाइड तक भी कर ली है। लेकिन उससे पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज हम उन कलाकारों के बारे में जानते हैं कि आखिर वो कौन थे और फिलहाल कहां पर है। मोहित रैना, देवों के देव महादेव में महादेव के किरदार में दिखने वाले मोहित रैना की छवि आज भी आपके जहन में ताजा होगी। यह वही मोहित रैना है जिन्हें काफी लोग आज भी सचमुच के महादेव मान लेते हैं। टीवी के बड़े स्टार्स के तौर पर एक्टर मोहित रैना ने अपनी पहचान बनाई है। धारावाहिक देवों के देव महादेव में उन्होंने भगवान शिव का बेहतरीन अभिनय किया और लोगों के दिल में जगह बनाई। भगवान शिव की भूमिका में सचमुच के शिव जी के रूप दिखाई देने वाले मोहित को घर घर में पसंद किया जाता है। मोहित रैना को हमने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में विकी कौशल के साथ देखा है। मोहित अभी फिलहाल हिंदी फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। समर जयसेन, इस एक्टर ने 90 के दशक के पॉपुलर शो ओम नमः शिवाय में भगवान शिव का रोल प्ले किया था। वैसे तो और भी कई एक्टर हैं जिन्होंने पर्दे पर भगवान शिव का रोल प्ले किया है, लेकिन जैसी पॉपुलरिटी इस एक्टर को मिली वैसी शायद ही किसी और को मिली हो। इस एक्टर ने भगवान शिव के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि लोग असल जीवन में भी उन्हें भगवान शिव ही समझने लगे थे। समर ने इस शो के अलावा कई और शोज व फिल्मों में काम किया था, लेकिन लोगों के दिलों दिमाग से उनकी भगवान शिव वाली छवि नहीं निकाल पाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी भगवान शिव ही समझने लगे थे। समर आजकल मुंबई में ही है और एक एक्टिंग कोर्स के तौर पर अपना एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं और उन्होंने अपने इस स्कूल की नींव 2005 में रखी थी। एक्टिंग सिखाने के अलावा समर बीच बीच में फिल्मों में भी नजर आते रहते हैं। उन्होंने सलमान के साथ फिल्म एक था टाइगर में काम किया था और 2017 में वह हसीना पाकर में नजर आए थे। यशोधन राणा, दूरदर्शन के ही शो ओम नम शिवाय में यशोधन राणा को भी भगवान शिव की भूमिका में देखा गया था। इससे पहले इस शो में समर जयसिंह ने शिव की भूमिका निभाई थी। जब समर जयसिंह ने ओम नम शिवाय छोड़ दिया था, तो टीवी एक्टर यशोधन राणा ने उनकी जगह ली। इस शो को बनाने के लिए 9 साल लंबी रिसर्च की गई, जिसे धीरज कुमार द्वारा डायरेक्ट किया गया। यशोधन ने भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। निर्देशक धीरज कुमार का ये धारावाहिक लोगों को इतना पसंद था कि लोग अपने सभी काम को छोड़कर इस सीरियल को देखने बैठ जाते थे। यह अभी कई टीवी शोज और फिल्मों में भी नजर आए हैं। सौरभ राज जैन, एक्टर सौरभ राज जैन को छोटे रूप में देखे जाने वाले भगवान कहा जाता है, चाहे वह महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार हो या देवों के देव महादेव में भगवान शिव का, या फिर महाकाली अंत ही आरंभ है में भगवान शिव का किरदार हो। सौरभ ने अपने करियर में देवताओं की भूमिकाएं पूरी निष्ठा के साथ निभाई है। फिलहाल ये एक टीवी शो के लिए काम कर रहे हैं। अरुण गोविल, रामानंद सागर के धार्मिक शो रामायण से लोगों की अटूट भावना जुड़ी हुई है। शो में श्री राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को लोग सच में भगवान का दर्जा देने लगे थे। अरुण गोविल इस शो के अलावा कई टीवी शोज और फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो श्री राम के अलावा भगवान शिव का भी रोल पर्दे पर निभा चुके हैं। दरअसल अरुण गोविल ने श्री राम के साथ साथ बड़े पर्दे पर भगवान शिव की महिमा भी दर्शकों को दिखाई है। रामायण में काम करने के बाद अरुण गोविल ने एक पौराणिक फिल्म शिव महिमा में भी काम किया था। इस फिल्म में अरुण गोविल ने भगवान शिव का किरदार निभाया था। ये फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। फिलहाल अरुण एक स्टेज शो सुनो श्री राम कहानी कर रहे हैं, जिसमें वह रामायण की कहानी सुनाते हैं।
इसके अलावा वो फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जुड़े हुए हैं। दारा सिंह रामायण में हनुमान के किरदार में हमेशा छाए रहे अभिनेता दारा सिंह भी भगवान शिव का किरदार निभा चुके हैं। साल 1974 में आई फिल्म हर हर महादेव में दारा सिंह ने भगवान शिव का रोल निभाया था, लेकिन वर्ष 2012 में दारा सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। अमित मेहरा पवन पुत्र हनुमान को भोलेनाथ का ही अंश माना जाता है। ऐसे में जब सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान बनाया गया था, उस समय भगवान शिव का रोल ले करने के लिए एक्टर अमित मेहरा को कास्ट किया गया, जहां उस रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया था। अमित मेहरा हनुमान के रूप में सबसे पहले पर्दे पर दिखाई दिए थे। बाद में उन्होंने अलग सीरियल में शिव की भूमिका निभाकर इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनाई। आपको बता दें कि अमित मेहरा पहले मॉडलिंग किया करते थे। शिव की भूमिका निभाने के बाद उन्हें खतरों के खिलाड़ी जैसे टीवी शो में भी देखा गया था। संतोष शुक्ला टीवी सीरियल जय जय शिव शंकर में संतोष शुक्ला ने भगवान शिव का किरदार निभाया था। इस रोल से वो काफी फेमस हुए थे और उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस आने का भी मौका मिला था। जय जय शिव शंकर में भगवान शिव बनकर घर घर में छाने वाले संतोष फिलहाल हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं। हिमांशु सोनी टीवी सीरियल नीली छतरी वाले में भगवान शिव की भूमिका निभाकर हिमांशु सोनी ने दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है और लोगों ने इनके इस रूप को काफी पसंद किया है। इस रोल की वजह से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बन गई है। अभी हिमांशु टीवी के लिए काम कर रहे हैं। रोहित बख्शी टीवी सीरियल में चॉकलेटी बॉय के नाम से पुकारे जाने वाले रोहित बख्शी ने टीवी सीरियल सिया के राम में शिव की भूमिका निभाकर इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इस पहचान की वजह से आज उन्हें टीवी सीरियल में अनेकों प्रकार के रोल करने को मिल रहे हैं। तरुण खन्ना को टेलीविजन धारावाहिक राधा कृष्ण में भगवान शिव की भूमिका में देखा होगा, साथ ही इनको चाणक्य के रूप में भी सराहा गया है। फिलहाल तरुण टीवी के शो में व्यस्त है। मुकेश सोलंकी को टीवी शो जय जय बजरंग बली में शिव के रूप में देख चुके हैं। ये फिलहाल टीवी शो के लिए काम कर रहे हैं। कुशाल पंजाबी ने टीवी शो क्या हाल मिस्टर पांचाल में भगवान शिव का रोल प्ले किया था। हालांकि 26 दिसंबर 2019 को कुशल पंजाबी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने पारिवारिक कारणों के अलावा डिप्रेशन की वजह से ये कदम उठाया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।